अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे अल्लाह ताला की रहमत करम से। दोस्तों आप मेरा चैनल देख रहे हैं टेक्निकल ज़ुबैर शाह। दोस्तों आज से तकरीबन 4 महीने पहले मैंने कैनन का एक कूलर लिया था जो कि एडवांस चिल कूलिंग के अंदर आता है और 2022 का सबसे कामयाब तरीन इस वक्त जो रूम एयर कूलर है वो आपके सामने पड़ा है। इसकी मैंने अनबॉक्सिंग की थी, इसके फीचर्स के बारे में मैंने आपको बताया था और इसके और भी क्या क्या चीज़ें हैं सारी की सारी मैंने वीडियोस में बताया था। और आपको मैंने ये भी कहा था कि इंशाल्लाह आफ्टर 4 से 5 मंथ यूज़ करने के बाद इसका मैं आपको ऑनेस्ट रिव्यू दूंगा। तो आज मैंने इसको पैक करना था तो मैंने सोचा पैक करने से पहले इसकी एक वीडियो बनाई जाए जिसमें आपको अपना जो 4-5 मंथ में मैंने इसको यूज़ किया है इसका ऑनेस्ट रिव्यू आपसे शेयर किया जाए। क्योंकि जब भी आप मार्केट में जाते हैं तो आपको इस तरह के एक्सपीरियंस यूट्यूब की वीडियो से ज़रूर देखने चाहिए ताकि आप अगर अपने पैसे खर्च कर रहे हैं तो वो आपके पैसे ज़ाया ना हो जाएं। तो आज इसका हम करते हैं रिव्यू करते हैं। 4 मंथ मैंने इसको यूज़ किया, यूज़ करने के बाद मेरा क्या एक्सपीरियंस है इसकी वीडियो में हम लोग शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली इस वीडियो को जो है लाइक कर दें, चैनल पर न्यू है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। अगर वीडियो इंफॉर्मेटिव लगती है तो अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को भी ज़रूर शेयर किया करें। तो चलें जी वीडियो को शुरू करते हैं। कूलर की हम बात करें जो X6500 इसका मॉडल है तो मैंने जो 4 मंथ में यूज़ किया है अगर मैं इसको 10 में से पॉइंट दूं तो 9/10 इसको पॉइंट दूंगा। एक पॉइंट मैं इस वजह से इसका कम कर रहा हूं कि अगर आपको किसी किस्म का इस कूलर में इशू आ जाता है इसके जो सर्विस सेंटर हैं वो हमें लेट रिप्लाई करते हैं। यानी कि कंपनी तो सर्विस सेंटर प्रोवाइड करते हैं लेकिन कंपनी जो सर्विस सेंटर हमें दिए हुए हैं वो थोड़ा सा हमसे लेट रापता करते हैं और थोड़ी देर से काम होता है। ठीक है, अब मैंने एक दोस्त का कैनन का जो है इसकी सर्विस करवानी थी, इसका कोई इशू बन गया था तो मैंने उनसे रापता किया तो कंपनी वाले से डायरेक्ट, पहले मैंने शॉप वाले से किया तो शॉप वाला थोड़ा सा लेट करने लग गया तो मैंने सोचा कंपनी से डायरेक्ट रापता किया जाए। तो कंपनी वालों ने अच्छा रिस्पॉन्स दिया, हर चीज़ गौर से सुनी तो ये थोड़ा सा इशू है। अदरवाइज़ अगर हम इसकी बिल्ड क्वालिटी की बात करें माशाल्लाह बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी है। अगर हम इसकी परफॉर्मेंस की बात करें तो कूलिंग के लिहाज से मैं कहूँगा बहुत ही अच्छा है। 22 से 23 हज़ार रुपये का आपको मार्केट के अंदर मिल जाता है, 21 हज़ार रुपये का भी मिल जाता है। ये बारगेनिंग के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको वो किस तरीके से हैंडल करते हैं या आप उनको हैंडल करते हैं। तो इसके अंदर जो बाकी फ़ीचर्स हैं वो मैंने आपको बताए थे। इसके अंदर जो है इसके जो प्रोपेलर्स हैं वो जैसे हम एसी में लगे होते हैं वही सेम प्रोपेलर्स हैं जो कि अच्छी कूलिंग देते हैं। इसके बाद इसकी 4 बॉटल्स हैं, 2 नीचे हैं और 2 यहाँ पर पड़ी हुई हैं अगर आपको देख सकें तो ये जो बॉटल्स हैं आपने अगर ज़्यादा कूलिंग लेनी है तो इसको आपने फ्रिज में रखना है। फ्रिज में रखने के बाद उसको आपने चलाने के बाद इसको यूज़ कर लेना है और ज़्यादा ठंडी हवा मिलती है। दूसरा इसकी जो टैंकी है 120 लीटर की 130 लीटर की टैंकी है, इसमें पानी भरें तो आपका जो है तकरीबन अगर आप शाम को भरते हैं तो पूरी रात आपका पानी ज़बरदस्त तरीके से यूज़ हो जाता है, आपको बार बार भरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप दिन के टाइम भी यूज़ करते हैं रात के टाइम भी यूज़ करते हैं तो आपको 2 दफ़ा पानी इस्तेमाल करना पड़ेगा क्योंकि फिर जो है आपको वही पानी ठंडी कूलिंग की सूरत में वो आपके ऊपर दोबारा अप्लाई करता है। तो इसकी अगर हम मटेरियल की बात करें माशाल्लाह मटेरियल भी बहुत अच्छा है, प्लास्टिक बॉडी के अंदर है। और इसकी डिज़ाइन की बात करें डिज़ाइन भी माशाल्लाह बहुत अच्छा है। इसके अंदर 3 से 4 कलर्स आते हैं, ब्लू के अंदर आता है, ब्लू वाइट के अंदर, ग्रीन वाइट के अंदर आता है और ब्लैक वाइट के अंदर आता है। तो ये कलर्स हैं आपको मार्केट के अंदर अवेलेबल
हो जाते हैं। और इसकी अगर हम बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो माशाल्लाह बिल्ड क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। सर मैं कैमरा आगे इसके ऊपर करता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। दोस्तों ये इसके मेन फंक्शन हैं, ये कूलिंग के लिए आपके पास होता है, और ये कूलिंग के लिए आपके पास है, ये स्पीड के लिए है, यहाँ पे ये सबसे कम, ये दूसरे नंबर पे, और ये तीसरे नंबर पे इसकी स्पीड है। तो आपने इसको दो पे रखेंगे तब भी ठीक है, अगर ज़्यादा अफराद हैं, ज़्यादा चार पे हैं, तो आप इसको फुल पे कर दें, बहुत अच्छी कूलिंग देते हैं। ये आपके पास स्विंग है, आपने इसको लेफ़्ट राइट पे घुमाना है तो ये स्विंग आपका काम आएगा। इसके अलावा ये आपके पास है कूलिंग के लिए, कूलिंग को आपने ऑन रखना है यहाँ पे, तब ये अच्छी कूलिंग देगा। ये देखें इसकी, ये जो अगर हम प्रोपेलर्स की बात करें, ये आपको नज़र आ रहे होंगे, ये जो अंदर जो ये आपके फ़ैन्स हैं, ये देखें जो एसी के अंदर लगे होते हैं तो वही इसके अंदर लगे हुए हैं, ठीक है। ये मूविंग्स हैं, ये देखें ऊपर नीचे लेफ़्ट राइट ये हो सकते हैं। और ये देखें चार बॉटल्स हैं, ये दो बॉटल्स ये हैं, और दो बॉटल्स अगर मैं आपको दिखाऊं ऊपर, ये जो कूल बैंक रखा हुआ है इसके अंदर ये दो बॉटल्स हैं, तो कि आपको एक अच्छी कूलिंग देती हैं। ये हो गया। और इसकी अगर मैं खसों की बात करूं तो माशाल्लाह इसकी बैक साइड पे अगर आप ये जो खसें वगैरह होती हैं बहुत अच्छी बिल्ड क्वालिटी की ये लगी हुई हैं आपको, क्योंकि मेन परफॉर्मेंस इन्हीं खसों की होती है। अगर ये खसें अच्छी हों, ये गत्ते वाली खसें हैं जो कि एसी के अंदर भी यूज़ होती हैं, तो आपको ये अच्छी कूलिंग देती हैं। अगर हम इसकी बिल्ड क्वालिटी की बात करें, कलर की बात करें, माशाल्लाह इसका बहुत अच्छा कलर है, आप सामने से आप देख सकते हैं, बहुत अच्छी इसकी कूलिंग है। और ये 2 ईयर्स वारंटी में आते हैं, या इन्होंने 3 ईयर्स मोटर वारंटी लिखी हुई है, जो कि गलत बयानी करते हैं, ये 2 ईयर्स के अंदर ही आते हैं। ये कैनन की ब्रांडिंग है, या आप कैनन की ब्रांडिंग देखें, ये आपको यहाँ पर नज़र आएगा। इसके अलावा ये इसकी टैंकी की अगर हम बात करें, 120 लीटर की ये टैंकी है, टैंकी के अंदर आपको हर चीज़ 120 लीटर में सामने आपको पूरी राज़ी अच्छे तरीके से। अभी इसको मैं पैक करने वाला हूँ, क्योंकि कंपनी ने इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई है कि जब भी आप इसको नेक्स्ट सीज़न के लिए यूज़ करें तो इसको बंद करके करें, ताकि ये अच्छे तरीके से दोबारा परफॉर्मेंस दें। तो आपने काम करना है इसको, आपने अच्छी तरह साफ़ करना है, जैसे मैंने इसको साफ़ कर लिया है। साफ़ करने के बाद इसके ऊपर शापर चढ़ाएँ और सारी चीज़ें करें, ताकि ये अच्छे तरीके से आपको परफॉर्मेंस दें। आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। और दूसरा, जो मैंने आप अपना ऑनेस्ट रिव्यू बताया, अगर मार्केट में अगर आप एक अच्छा रूम कूलर लेने जाते हैं तो कैनन का एक अच्छी परफॉर्मेंस, अच्छी चॉइस आपकी ज़रूर होगी, एक दफ़ा आपको ज़रूर ट्राई करें। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, अगर आप मैं आपको रिकमेंड करूं तो आप ज़रूर इसको लें और इसकी परफॉर्मेंस से ज़रूर फ़ायदा उठाएं। तो आज की वीडियो यही थी, और नेक्स्ट रिव्यू मैं आपके लिए लेकर आया। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और नेक्स्ट सीज़न में आपने अगर रूम कूलर लेना हो तो कैनन का एक अच्छी चॉइस बन सकती है। इसी के साथ इस ज़ुबैर शाह को दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।